शुएब अकरम साहब नए हैं, उनको मैं अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन इस बार बहुत कम वक्त मिला, सिर्फ एक महीने की वर्कशॉप हुई। उस एक महीने की वर्कशॉप के नतीजे में जो कुछ हमारे दो बहुत ही लायक रफायक उस्ताद मौलाना शहबाज राही ज़ाहिरी और मौलाना मोहम्मद आफाक ने जो कुछ ट्रांसफॉर्म किया है, जो कुछ सिखाया है, उसका आप नमूना आज यहाँ देखेंगे। हमने बहुत शॉर्ट कर दिया है प्रोग्राम को। हमारी ये खुशकिस्मती है और शायद ये कुरान की बरकत है। मैं आप सब लोगों से भी कहूँगा कि आप दुआ करें हमारे सदर जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के लिए। वो दो तीन हफ्तों के बाद, कम से कम मेरी मुलाकात आज 3 हफ्तों के बाद हो रही है, उनकी तबीयत नासाज थी। आज वो तशरीफ़ लाए हैं कुरान की बरकत से, तो दुआ करें कि आप उनको उनकी इसी तरह सेहत कायम रहे और वो हर रोज़ आते रहें और इसी तरह के प्रोग्राम होते रहें। तो मैं बग़ैर किसी ताखिर के प्रोग्राम शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम के दो हिस्से हैं, दोनों उस्ताद अपने चंद सेलेक्टेड स्टूडेंट से कुछ परफॉर्म कराएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम स्टेज पे अपने मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ मौलाना शहबाज साहब और मौलाना आफाक के एक शागिर्द, इस एक महीने के शागिर्द ज़ियाउल हक़ से, कि वह आएँ और तिलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم। السلام عليكم। जज़ाक अल्लाह। एक बहुत ही उम्दा फनकार हमारे दरमियान है, मैं चाहूँगा कि उनसे हम हमद और नात पाक के दो दो शेर सुने। अलविना कुरैशी, आपने सुना होगा, बहुत मशहूर नाम है, बहुत ही कम उम्र की बच्ची है और कई उसने कौमी और बैन-उल-अक़वामी प्रोग्राम भी किए हैं, मलेशिया दुबई में भी कई प्रोग्राम किए हैं, जी सलाम और ATV पर भी उसकी नात आती है। मैं अलविना कुरैशी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो दो शेर हम के आगे का प्रोग्राम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तू यहाँ नहीं कि वहाँ नहीं,
शोखे रद
इसी को कहा गया है फ़इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर, कि आँखों का नबीनापन कुछ नहीं होता, असल तो दिल का अंधा होना है। तो दुआ कीजिए कि हर मुसलमान दिल का नूर मैसर हो। अलवीना का दिल उसी नूर से मुनव्वर है। दरख्वास्त करता हूँ कुरान वर्कशॉप के सीनियर उस्ताद जनाब मौलाना शहबाज राही मुजाहिरी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और बगैर किसी तखीर के परफॉर्मेंस का प्रोग्राम शुरू करें। मौलाना के इस्तकबाल के लिए यूँ तो कुछ भी कम है, कुछ भी चीज़ काफ़ी नहीं है, लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि इनके लिए दुआ कीजिए। हम डॉक्टर इफ्तिखार साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हैदराबाद से वो इन दो काबिल उस्तादों को भेजते हैं और फिर ये यहाँ अपना फ़न दिखाते हैं। सिर्फ एक महीने का आज आप देखेंगे मौलाना शहबाज राही मुजाहिरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफा व सलामु अला इबादिही अल्लज़ी नस्तफा मा बाद। बसद खुलूस व मोहब्बत सलाम करते हैं, बसद खुलूस व मोहब्बत सलाम करते हैं, हर अहले फजल का हम एहतराम करते हैं। हज़रात दानिश्वरान कौम मिल्लत, असहाबे फिक्र फन, दाईयान इस्लाम, पासबान मिल्लत और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सबसे पहले हम्द सना के फूल उस रब्बे ज़ुल जलाल के बारगाह में होते हैं कि जिसने इंसान को अहसन तकवीन के सांचे में ढाला, फिर उसे मालम यालम के तालीम से आरास्ता किया और अकीदत मोहब्बत का गुलदस्ता पेश करते हैं उस महबूब कौनैन की खिदमत में कि जिनको रहमान और रहीम ने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर मबऊस फरमाया। और अब अहले ज़ौक, अहले सुखन, अहले नजर खुश आमदीद कह रहे हैं आपसे ये बामदर खुश आमदीद, आपकी आमद से हर सू रोशनी होने लगी, कह उठा हर जर्रा जर्रा खुश आमदीद खुश आमदीद। हजरात आज के दौर में हर इंसान किसी न किसी एतबार से मसरूफ और मशगूल है, इसके बावजूद अपनी कीमती औकात को फारिग करके दीनी उमूर में इन्हिमाक और शिरकत करना ये सिर्फ दीनी मोहब्बत और ताल्लुक माल्ला पर मबनी है। ख़ास तौर से इस दौरे जदीद में जबकि दीन व शरीयत से बेरगबती और लापरवाही आम है, ऐसे हालात में इतनी अच्छी खासी तादाद में आप सबका जमा होना यकीनन हमारे लिए कल्बी मुसर्रत व शादमानी का सामान है। लिहाजा आज के इस बाबरकत प्रोग्राम में आप हजरात की मौजूदगी को अपने लिए एजाज समझते हुए अहलम बिकुम या मरहबा, शर्रफ तुम हफलातिना या मरहबा के मुकद्दस नगमों से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, आप सभी का खैर मकदम करते हैं। हजरात यह हमारी खुशनसीबी है कि हमारे माबैन ऐसी अजीम और अबतरी शख्सियात जलवा अफरोज हैं
कि जिनकी इल्मी अमली गहराई और गिराई